अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपकी खिदमत में एक और सेटिंग के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ोंग इंटरनेट सेटिंग कैसे क्रिएट करनी है, हमने सेटिंग को ओपन कर लेना है। हमने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लिया। दोस्तों, अब यहाँ पर एक मेन बात आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते, जिनकी वजह से उनकी सेटिंग होती नहीं और वो बाद में कमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ज़ोंग इंटरनेट सेटिंग करने का क्या तरीकाकार है। यहाँ पर इंटरनेट एंड नेटवर्क पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक बात गौर से बताता चलूँ, यहाँ पर जहाँ भी आपके मोबाइल में मोर नेटवर्क लिखा होगा आपने वहीं पर क्लिक करना है। यहाँ एरा वगैरह किसी जगह पर भी आपने क्लिक नहीं करना। मोर नेटवर्क पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ज़ोंग की सिम मौजूद है और यहाँ पर मैंने अब इसकी इंटरनेट सेटिंग क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक किया और यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी सेटिंग हुई है। अब थ्री डॉट पर क्लिक करके मैं इसको रीसेट करूँगा और रीसेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सेटिंग के अलावा कोई सेटिंग मौजूद नहीं है। अब मैं आपको सेटिंग करने का तरीकाकार बता देता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। यहाँ पर मैंने निशान लगाया, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा सेटअप शो होगा। तो आपने करना क्या है, सिंपली यहां पर सबसे पहले नेम आपने क्रिएट करना है जो आपकी सिम है। यहां पर मैं ज़ोंग लिखूंगा क्योंकि मेरी ज़ोंग की सिम है। आगे इंटरनेट सेटिंग क्रिएट करनी है तो इंटरनेट लिखना है, यहां पर मैंने ज़ोंग इंटरनेट लिख दिया। उसके बाद यहां पर APN आ गया है दोस्तों, APN में आपने इंटरनेट लिखना है, ओनली यहां पर आपने इंटरनेट लिखना है। इंटरनेट लिखने के बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पोर्ट आ जाती है, पोर्ट पर आपने मेन पॉइंट जो है आपने यहां पर आप देख लें 8 डालकर 3 सिफरें यानी कि 300 आपने डाल देनी है। उसके बाद ओके कर देना है। सिंपली यहां पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता बल्कि अभी आपका काम शुरू हुआ है। कुछ लोग यहां पर सेटिंग करके बस कर देते हैं, लेकिन नहीं, अभी आपकी सेटिंग बाकी है। यूज़र नेम पर क्लिक करना है और यहाँ पर ज़ोंग लिखना है। उसके बाद पासवर्ड पर क्लिक करना है, पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने 1, 2, 3, 4 पासवर्ड दे देना है। अब यहाँ पर आपको मैं एक और मेन चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि APN टाइप, यहाँ पर APN टाइप आपने क्लिक करके APN टाइप लिखना है। और यहाँ पर आपने APN टाइप क्या लिखना है ये गौर से देखना है, DEFUL, यहाँ पर ये स्पेलिंग आपने गौर से देखने हैं, DEFAULT, ये आपने डिफ़ॉल्ट लिखना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद ओके कर देना है। सिंपली यहाँ पर आपको सिर्फ ये बटन दबाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके ना, तो यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है तो सेव के बटन पर क्लिक करना है। जहाँ पर आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव, यहाँ पर मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक इंटरनेट सेटिंग क्रिएट हो चुकी है, वो जो कि दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूँगा, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं हरा निशान है तो मैं इसको नीचे कर दूंगा, तो यहाँ पर ये इंटरनेट सेटिंग कनेक्ट हो जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा इंटरनेट फास्ट चलेगा। और अगर ना फास्ट चले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा अच्छी से अच्छी सेटिंग क्रिएट करने की। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए एक दफ़ा ज़रूर चैनल का विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।